इंडियन प्रीमियर लीग की रणभेरी बज चुकी है, तैयारियां जोरों शोरों पर है। विश्व कप के बाद से ही क्रिकेट के मैदान से दूर आईपीएल के सफलतम कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी भी अब मैदान पर लौट रहे हैं। नीलामी में खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बरसात हुई। फटाफट फॉर्मेट के इस खेल में कप्तानों पर टीम का दारोमदार रहता है। महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे कप्तानों को फ्रेंचाइजी एक सीजन के कितने रुपए का भुगतान करती है, ये कभी खुलकर सामने नहीं आया। ऐसे में इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल में सभी टीमों के कप्तानों को एक सीजन के लिए कितने रुपए मिलते हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल के सबसे सफल कप्तान हैं। रोहित ने अपने नेतृत्व में मुंबई इंडियंस को 4 बार चैंपियन बनाया है। रोहित को मुंबई इंडियंस का कप्तान आईपीएल के 6वें सीजन में बनाया गया था और इसी सत्र में मुंबई ने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। इस सीजन के लिए रोहित को मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी 15 करोड़ रुपए का भुगतान कर रही है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्टीव स्मिथ को आईपीएल में पहली बार 2010 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा था। स्मिथ आईपीएल में अभी तक 4 टीमों की तरफ से खेल चुके हैं। आईपीएल 2020 में स्मिथ राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं। इसके लिए उन्हें करीब 12 करोड़ रुपए की सैलरी दी जाएगी। वहीं महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के पहले सीजन से ही चेन्नई सुपर किंग्स की कमान संभाल रहे हैं। चेन्नई ने धोनी की कप्तानी में 3 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। आईपीएल के अगले सीजन के लिए धोनी को सीएसके की फ्रेंचाइजी की ओर से 15 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। वहीं डैनियल विटोरी ने आईपीएल के संन्यास लेने के बाद 2013 में विराट को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी मिली। आरसीबी अभी तक 1 बार भी अपना खिताब नहीं जीत पाई है। विराट पहले सीजन से ही इस टीम के सदस्य हैं। इस सीजन के लिए कोहली 17 करोड़ की राशि बेंगलोर की फ्रेंचाइजी से ले रहे हैं। वहीं आईपीएल के सबसे युवा कप्तान श्रेयस अय्यर को 2018 में गौतम गंभीर को हटाकर दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनाया गया था। आईपीएल के 12वें सीजन में दिल्ली 7 साल के बाद श्रेयस अय्यर की कप्तानी में सेमीफाइनल तक पहुंची थी। अगले सीजन के लिए अय्यर को 7 करोड़ रुपए दिल्ली कैपिटल्स की फ्रेंचाइजी की ओर से मिलने वाला है। किंग्स इलेवन पंजाब ने एक बार फिर अपने कप्तान बदले। 2020 के सीजन के लिए फ्रेंचाइजी ने केएल राहुल को टीम की कमान थमाई है। राहुल ने अभी तक आईपीएल में कप्तानी नहीं की। राहुल को इस सीजन के लिए पंजाब की फ्रेंचाइजी की ओर से 11 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं केन विलियमसन को इस सीजन में अच्छी खासी रकम मिलने वाली है। 3 करोड़ रुपए का उन्हें भुगतान मिला है। वहीं केकेआर की बात की जाए तो केकेआर के कप्तान दिनेश कार्तिक को 2018 में केकेआर ने खरीदा और टीम की कप्तानी सौंपी। कार्तिक टीम को प्लेऑफ तक ले जाने में सफल भी रहे। 13वें सीजन में भी कोलकाता की कप्तानी कार्तिक ही करने वाले हैं। इसके लिए उन्हें 7 करोड़ 50 लाख रुपए मिलेंगे। कार्तिक आईपीएल में अब तक 6 टीमों की ओर से खेल चुके हैं। यानी कि इस बार कप्तानों पर पैसों की बारिश हुई है, लेकिन सबसे आगे रोहित, विराट और महेंद्र सिंह धोनी। अब देखना होगा कि इस आईपीएल सीजन में कौन बाजी मारता है। हालांकि आईपीएल के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस बार का आईपीएल बेहद खतरनाक होने वाला है, क्योंकि सभी टीमें इस बार मजबूत नजर आ रही हैं। एडी न्यूज रूम की रिपोर्ट।